साहित्य और कला संस्कृति जो होती है अपने आप में, एक तो दोनों के बीच जुड़ाव भी होता है, दूसरा होता है कि मतलब साहित्य को हम मानते हैं कि वह लेखन में उतर के आता है तब संवाद करते हैं, लेकिन कला संस्कृति जब इस तरह से थिएटर आयोजन होते हैं तो ये सीधे बिल्कुल रूबरू होकर संवाद करते हैं, इसलिए इनका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं अपना परिचय दूँ तो मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ, तो बेगूसराय बिहार उसका एक अलग ही कला संस्कृति रही है और सांस्कृतिक पहचान रही है बिहार में। अभी हमारे यहाँ के उभरते हुए डायरेक्टर प्रवीण कुमार गुंजन का समझौता नाटक है, बड़ा फेमस है, उसका मंचन भी यहाँ पे हुआ था, तो उसी क्रम में मेरा भी यहाँ आना हुआ और मैं देख के दंग हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मतलब जयपुर को मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, जितना अच्छा रिस्पांस दे रहा है एक किसी कला संस्कृति के आयोजन को, इतना अच्छा रिस्पांस एक शहर में मिलना, तो मैं जिंदा उसी शहर को कहता हूँ जिस शहर में साहित्य के प्रति, कला संस्कृति के प्रति रुझान हो, उसके प्रति मोहब्बत हो, स्नेह हो, मैं उसी को जिंदा शहर कहता हूँ। तो निश्चित रूप से भारंगम जैसे सफल आयोजन के साथ मैं जयपुर को एक जिंदा शहर पुकारना पसंद करूँगा और यहाँ से मैं बहुत अच्छे अनुभव और बहुत अच्छी स्मृतियाँ लेके लौटना चाहूँगा।